आपका कैसी रही आपका सफर कराची? मैं इस्लामाबाद से लाहौर चला गया था, आज ही आया हूँ। अरे वही कह रही, बड़ा टायरिंग हो गया आपके लिए रमजान में, तमाम आप लोगों के लिए काफी टायरिंग हो जाता है आई नो, बट देन अगेन आप लोगों की मोहब्बत है कि आप आए और बहुत शुक्रिया एक बार फिर। आज जो है शहजादी तूबा की जो है वो रह गए थे रिमार्क्स और आप लोगों ने कहा था कि हम जरा सुनना चाहते हैं, जरा सा वो ऊंचाई की तरफ ऊंचा लेके जाए, तो हम जरा सही जज करें। इसके अलावा शहजादी तूबा के अलावा हमारे 10 कंटेस्टेंट्स और हैं, वोट्स आप लोगों ने गढ़ने हैं, क्योंकि कल जो है हम टॉप 10 से शुरू करेंगे और आधे घंटे के बाद टॉप 5 और उसके बाद जो है आप फैसला करेंगे एक घंटे के अंदर, क्योंकि वक्त बड़ा बड़ा महदूद है और इसमें मैं ऐसे चलना है ऐसे बिल्कुल मशीनों की तरह, क्योंकि आप लोगों ने ही बनानी है समय की आवाज। तो बनो समय की आवाज, शुरू करते हैं। ओवर टू समी। समी क्या सीन है? अस्सलाम वालेकुम माया, इस वक्त जो हमने कल खत्म की थी यानी कि शहजादी तूबा के मार्क्स होल्ड कर लिए थे हमारे जजेस ने, शहजादी तूबा से हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ आप सबको, देखने वालों को भी और अपने जजेस को भी, शहजादी तूबा अपनी वालदा मोहतरमा को उस्ताद मानती हैं और उनकी वालदा ही उनको नात खानी का अंदाज और अतवार सिखा रही हैं। उनका अपना कहना है यानी कि शहजादी तूबा की वालदा का कि जब उन्होंने नात पढ़ी उसके बाद उनकी हमारी टीम से बात हुई तो उनका कहना था कि मेरी बेटी उतना अच्छा नहीं पढ़ सकी जितना उसे पढ़ना चाहिए था, थोड़ी सी कमी रह गई है, तिश्नगी बाकी है। देखते हैं क्या वोट्स मिलते हैं हमारे जजेस की जानिब से। आपकी नजरों के सामने है शहजादी तूबा। खुशबू है दो जनाब, आज का सवाल ये है कि आप लोग बताइए कि टॉप 5 में कौन पहुंचेगा। स्लिक के स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 72622 पे। जी सर, अब मैं चाहता हूँ कि अगर वो इस तरह पढ़ती तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा, उनकी जो स्केल है, रेंज है, जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी होती। तुझसा कोई आया जैसा कोई आया है ना आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा।
ये अगर इस तरह बहरहाल वो उन्होंने कोशिश की तो उनके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे और ताकि कि उन्होंने अंतरा सही नहीं लगाया तो आपके मार्क्स सर हमने साबरे साहब से भी पूछ ले मार्क्स पहले आप देंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे कलाम मैंने पढ़ा ही बिल्कुल ये उनके कंधे में चलते हैं सर आप चलेंगे तो ये मैंने पढ़ी भी है तो इसलिए बहरहाल मैं इनको 6 नंबर दूंगा 6 नंबर साई तुबा के 6 नंबर ठीक है ठीक है जी जनाब अमजद साबरी साहब अच्छा जी मैं शहजादी तुबा के लिए कहूंगा कि उन्होंने अस्थाई बहुत ऊंची उठाई थी और इसका अंतरा और भी ऊंचा वो हो होता सकता था नहीं नहीं हो सकता वो तो नहीं फंसी हुई ना और लेकिन वो जो बीच का सुर था ना वो थोड़ा सा वो कच्चा लगा लेकिन वो जो सा सा था ना वो सा बहुत पक्का लगा था उनका और वो थोड़ा सा अगर घबरा के नहीं पढ़ती बच्ची तो वो पढ़ सकती थी मेरे लिहाज से मैं मतलब सुरों के लिहाज से तो मैं कोई ज्यादा नंबर नहीं दे सकता लेकिन उसकी जो एफर्ट है उसको सुर लगाने की एफर्ट से मैं 1 नंबर बढ़ा के दूंगा हजरत से 7 नंबर देंगे ठीक है थैंक यू सो मच पूरिया जी कॉन्फिडेंस बहुत है पढ़ने में है कॉन्फिडेंस कैसा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ रही थी वो उससे खराब भी हुआ लेकिन उसने अपने शक्ल से टेंशन नहीं दिखाई अच्छा ये भी बड़ा काउंट होता होगा वैसे कि आपकी शक्ल पे बात ये कि हमें आवाज देखनी है हमें आवाज देखनी है कैसा पढ़ रही थी तो उस हवाले से दोनों जजेस की जो बात है कि उनका सुर जो ऊपर जाके लगा वो सही नहीं लग सका बीच में तो उसकी वजह से मेरी तरफ से भी 6 मार्क्स ठीक है जी शहजादी तुबा आपके हो गए टोटल अभी बताते हैं और सर ने दिए फैज साहब ने दिए 6 नंबर अमजद साहब ने दिए 7 नंबर और हुरिंदर 6 तो हो गए जी 19 नंबर अब देखते हैं आप लोगों के वोट्स शहजादी तुबा को कहां लेके जाते हैं अगले कंटेस्टेंट कौन है ये तो समी ही हमें बताएंगे बिस्मिल्लाह जी समी साहब सैयद बिलावल अली हमारे अगले नात खां हैं उम्र 10 साल की है हौसले बुलंद हैं नात खानी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं छोटी सी उम्र में इतनी सारी ख्वाहिशात देखते हैं पाया तकमील तक पहुंचती हैं या नहीं आपकी समातों की नजर है उनकी नात बिलावल अली इनके अब तक के जो वोट्स रहे वो 10,001 रहे अब मैं सर से पूछूंगी सर आपके रिमार्क्स और फिर आपके पॉइंट्स नहीं माशाल्लाह मेरा ख्याल है बहुत एतमाद के साथ उन्होंने पढ़ने की कोशिश की दूसरे शेर में वो सताई में थोड़ा सा उन्होंने जो था ना वो वहां लफ्ज के अंदर वो थोड़ा अटक गए थे ठीक है लेकिन मजमू तौर पर उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी अच्छा कोई आप कहना चाहेंगे कि मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने और मेरे लिहाज से तो बहुत उम्दा पड़ा सर आपकी तरफ से पॉइंट्स कितने जाते हैं इनको मैं 7 नंबर दूंगा आप 7 नंबर देंगे बेहतर जी अमित साबी साहब जी सर
जिस तरह की उस बच्चे की उम्र है और लग रहा था माशाल्लाह बहुत छोटा है अभी जी, जो सुर उसने लगाए हैं वो सब सही सुर। अच्छा, कोई भी सुर उसने आगे पीछे नहीं किया, लफ्ज और तलफ्फुज थोड़ा सा जरा थोड़ा सा अदायगी में थोड़ा सा जरा, क्योंकि बच्चा है इसलिए थोड़ा सा उसका वो है, लेकिन जो सुर उसने लगाया जिस तरह की एक प्रोफेशनल नात खां को जिस तरह नात पढ़ते हैं तो वो सुर सारे उसने बहुत अच्छे लगे। तो खुशी से उछल रहा होगा अपने घर में कि कभी फजी साहब ने कुछ नहीं कहा, अमजद साहब ने कुछ नहीं कहा, वो कहेगा मैं तो वैसे ही जीत गया। और मैं लोगों से दरखास्त करूंगा कि उसके वोट बहुत कम है और आप लोग उसकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि उसने इस उम्र में सुर अच्छे लगाए हैं, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, कोई अच्छे असातिज़ा से अगर सीखेगा नात और सुर अगर सीखेगा तो वो बहुत अच्छा नातखा आपको मिल सकता है इस पाकिस्तान का। क्या बात। तो मैं सैयद की सैयद बिलावल अली की हौसला अफजाई के लिए मैं उसको 9 नंबर दे। क्या बात है, अब तक का जजेस की तरफ से आने वाला हाईएस्ट स्कोर, क्योंकि अब तक 8 था और अब 9 मिले सैयद बिलावल अली। क्या बात है बिलावल आपकी जी, हो रही आप क्या कहेंगी बिलावल की? जहाँ तक बात है बहुत प्यारा, बहुत मासूम अंदाज पढ़ने का और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो वो क्या अल्लाह ताला की तरफ से उनका इनाम है। बस वही तलफ्फुज की गलती जो हो रही थी बार बार, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गला थोड़ा सा जो है जैसे गला बैठा हो। अच्छा अच्छा, वरना तो बाकी पढ़ने में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे। ट्रू ट्रू, वो थके हुए थे यार, बहुत रात हो रही थी, नींद में दाव रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। मेरी तरफ से 7 मार्क्स आपकी तरफ से, जबरदस्त जी। क्या बात है, बताते हुए बिलावल का 23 है अब तक का टोटल जजेस की तरफ से। देखिए, क्योंकि अब्दुल साहब ने कहा कि बिलावल के वोट्स थोड़े कम हैं तो आपको इसके वोट ज्यादा देने चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल सत्तार साहब हैं इस्लामाबाद से। जी सर। वालेकुम सलाम, कैसी माया? अल्लाह का बड़ा करम जी, आप फरमाइए। आज दीन साहब को कैसे काबू कर लिया, ये तो काबू आते ही नहीं। ये मैं इतने अरसे की मेहनत और इतने दिनों का चिल्ला काटने के बाद हो रही है इनको स्क्रीन पे देख के ना जी। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि तूबा बाजी ने समा टीवी पे वाकई समा बांध दिया। हाँ जी, शादी तूबा ने पिशावर से समा बाजी थी ना जी 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 जी, तूबा बाजी ये अच्छा है। अब्दुल सत्तार साहब आपकी अगर माजरत के साथ अगर मैं पूछना चाहूँ आपकी उम्र कितनी होगी? मुझसे छोटी होगी मुझे यकीन है, लेकिन मैं छोटी और बड़ी बहनों को बाजी ही कहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह बातें कर दी उन्होंने कि मुझे यकीन है कि मुझसे छोटी होगी। ये बात भी है जी सर, क्या कहेंगे? बस मैं यही कह रहा हूँ कि तो सरवर्दी साहब को जो आपने काबू किया ये बहुत बड़ा फन है किसी ने जो काबू जी किया। ये मेरे फन की लिस्ट में लिखा जाएगा सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़, थैंक यू सो मच। कॉल कीजिए 08007726262 पे कॉल कीजिए, बाहर से कॉल करने वालों के लिए हमारा नंबर है 0092213227 0840। आपके ख्याल में टॉप 5 में कौन कौन पहुंचेगा, इस लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 72622 पे। अगले कंटेस्टेंट की तरफ जा रहे हैं हम टीम। अच्छा, हम वक्फे पे जा रहे हैं, यकीन रोजात मुलाकात होती है एक छोटे से वक्फे के बाद, वापस आते हैं, देखते हैं आवाम किसको पसंद कर रही है, जरा जाते जाते ये भी झलक देख लीजिए। सैयद बिलावल अली को हमने वोट दिया, इंशाल्लाह वही जीतेगा। यहाँ पर तो बिलावल अली जीतेगा क्योंकि हमने उसको वोट किया और उसकी आवाज बहुत अच्छी है और माशाल्लाह उम्मीद है वही जीतेगा। मोइन भाई आप ही जीतेंगे उसमें, नियात खानी मोइन ही जीतेगा, हमें पता है। मोइन एक अच्छा लड़का है और हमें अल्लाह से यही उम्मीद है कि अल्लाह करे मोइन ही सिलेक्ट हो जाए। हमने समा चैनल पे एक बच्ची को अनम जिसका नाम है उसको नात पढ़ते हुए देखा है, उसका आवाज बहुत बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो कंपटीशन में अव्वल आएगी और इंशाल्लाह वही कंपटीशन जीतेगी। अली राज एक अच्छा नात खां है और इस कंपटीशन को मैं उम्मीद करता हूँ कि अली राज जीतेगा। अली राज ही जीतेगा। अली राज हमारे मुल्क का एक नया टैलेंट है, इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी दुआएं उसके साथ है, पूरी कौम उसको सपोर्ट करे, इंशाल्लाह ताला अली राज ही जीतेगा। शीजा बहुत अच्छी नाच पढ़ती है, वो ही जीतेगी। जावेद को मैंने सुना है और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अब ये क्या हम उम्मीद करते हैं कि वही जीते। तारिन अली को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मेरी नेबर है, मेरा ख्याल है आई होप्स कि वो जीत जाएगी। हसन रजा ही जीतेगा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे हैं और जरूर जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। हसन रजा के लिए मेरी दुआएं हैं, इंशाल्लाह वो जरूर जीतेंगे। हम प्रे करते हैं कि मोहित जीत जाए। बेस्ट विशेस मोहित रजा के लिए, इंशाल्लाह वो जीतेंगे। इकरा वकार एक अच्छी नाच पाए, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ वो कॉम्पिटिशन जीतेंगे। इकरा वकार ही जो है ना इस बार नाच पाएं जो है वो जीतेंगी, और क्योंकि वो अच्छा ही पढ़ रही है और उनकी वॉइस बहुत ज्यादा अच्छी है, इस लिहाज से मेरे ख्याल से वो जीतेंगी।